के साथ। महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में समाजवादी पार्टी गुरुवार को धरना प्रदर्शन की। इसी क्रम में वाराणसी के पिंडरा, राजा तालाब और सदर तहसीलों में प्रदर्शन किया गया। राजा तालाब तहसील पर किए गए प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश की सभी तहसीलों पर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त बताया और कहा कि लोगों से झूठे वादे करके ये सरकार सिर्फ अपना खजाना भर रही है, उसे बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या से कुछ भी लेना देना नहीं है। पीएम साहब कभी भी मन की बात में इन समस्याओं पर कुछ नहीं बोलते, जबकि पूरा देश इन समस्याओं से बुरी तरह से प्रभावित है। इस सरकार ने झूठे वादे करके वोट ले लिया, जनता के साथ धोखा किया, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान आंदोलन पर कहीं ध्यान नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार समाज चरम सीमा पे, महिला उत्पीड़न चरम सीमा पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए हैं। बेरोजगारी पर मन की बात क्यों नहीं करते हैं? महंगाई पे मन की बात क्यों नहीं करते हैं? बेरोजगारी पे मन की बात क्यों नहीं करते हैं? किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके मन की बात। इसी क्रम में सदर तहसील पर हुए धरना प्रदर्शन में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती शालिनी यादव ने कहा कि यही नहीं बल्कि इस अराजकता से लोकतंत्र की नींव भी कमजोर हुई है, क्योंकि ये चुनाव गांव के गरीब व असहाय जनता को सत्ता देने की प्रक्रिया है, किंतु इन बेबस लोगों के सामने धन बल व बाहुबल की दीवार खड़ी करके इनके विकास का रास्ता योगी सरकार ने रोक दिया है और पुलिस तथा प्रशासन ने सत्ता के दबाव में आंखें बंद कर ली है। श्रीमती यादव ने रोष प्रकट करते हुए कहा, औरतों और महिला प्रत्याशियों व प्रस्तावकों पर अश्लील हिंसा की गई जो चुनाव आयोग के मुंह पर कालिक है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में स्वर्गीय राजीव गांधी ने महिलाओं को आरक्षण दिया, किंतु आज भाजपा की प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में महिलाओं के चीर हड़र करा रही है, ताकि कोई बीजेपी विरोधी महिला नामांकन करने या प्रस्तावक बनने की हिम्मत न कर सके, किंतु हम महिलाएं इनसे डरने वाले नहीं हैं। इनके हर जुल्म को सहते हुए इनका विरोध जारी रखेंगे और लोकतंत्र में अपना हिस्सा लेके रहेंगे। इस प्रदर्शन में पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, युवजन सभा अध्यक्ष किशन दीक्षित, जियालाल राजभर, नत्थूलाल सोनकर, प्रिया अग्रवाल, रितिका रानी, उमेश राजभर, संतोष यादव सहित काफी संख्या में सपाजन उपस्थित रहे। सच के साथ।